वे वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन के दौरान वह पीएम मोदी से मिले थे। जब मुलाकात हुई तो वह बहुत घमंड में थे। मैंने उन्हें कहा 500 किसान मर गए, तो उन्होंने सवाल पूछा मेरे लिए मरे हैं क्या। मैंने कहा आपके लिए तो मरे हैं, आप राजा बने हुए हो। वहां झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। इसके बाद अमित शाह ने मुझे कहा सत्यपाल इसकी अक्ल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, या किसी न किसी दिन समझ जाएगा। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं बल्कि स्थगित हुआ है। किसानों के साथ कोई नाइंसाफी या अत्याचार हुआ तो यह दोबारा शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को किसानों को MSP पर कानूनी गारंटी देनी चाहिए। सरकार को ईमानदारी दिखाते हुए किसानों पर दर्ज केस तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा किसानों के लिए जरूरत पड़ी तो वो गवर्नर का पद छोड़ने के लिए भी तैयार है। आइए सुनते हैं सत्यपाल मलिक क्या कह रहे हैं। किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता